बच्चों, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप यू डूइंग वेल। द कैसे हो आप सब? तो आज है होली, आप सभी को मेरी तरफ से हैप्पी होली। तो ऐसे दो दिन मनाई जा रही है, 25 और 26 को, पर हमारे घर में 25 को ही मन रहे हैं। तो हो गई हूँ मैं नहा करके रेडी, और कुछ भी नहीं किया, सिर्फ लिपस्टिक लगाया, क्योंकि रेडी होना मैं शाम में होंगी, क्योंकि ऐसे तो मैं दो बार रेडी होती थी पर आज रेडी होने का बिल्कुल भी मन नहीं कर रहा है। तो ये ब्लॉग होने वाला है होली स्पेशल ब्लॉग की, मैं आपको अपने घर की होली कैसे मनाई जाती है ये ब्लॉग शेयर करने वाली हूँ। तो और इस साल का लास्ट, मतलब ये साल मेरी लास्ट होली मेरे घर पे मन रही है, क्योंकि उसके बाद मेरी शादी हो जाएगी। तो यहाँ पर मैं हो गई हूँ नहा करके रेडी। मम्मी नहा करके पूजा का जो प्रसाद बनता है वो बना रही है, और पापा अभी नहाएंगे। तो मैं आपको दिखाती हूँ कि चलिए मेरे घर में पूजा का जो प्रसाद है वो अलग बनता है। तो यहाँ पर मम्मी मिट्टी वाले चूल्हे जो होते हैं उस पर प्रसाद बना रही है। हमारे कुल देवता को जो प्रसाद चढ़ते हैं वो अलग बनते हैं, तो यहाँ पर मम्मी वो बना, सबसे पहले वो बनाते हैं, उसके बाद सब चीज़ बनता है। उसके बाद मैं यहाँ पर अगरबत्ती जला के दे रही हूँ। मैंने सोचा चलो जल्दी जल्दी काम कर लेते हैं, पूजा में भी मैं हाथ बटा देती हूँ तो जल्दी जल्दी पूजा भी हो जाएंगे। तो यहाँ पर मम्मी को मैंने अगरबत्ती दिया, फिर मम्मी ने घर में पूजा कर ली। उसके बाद हम निकले पास के ही मंदिर में पूजा करने के लिए, क्योंकि मेरे वेडिंग इन्विटेशन जो कार्ड है वो प्रिंट होकर के चुके हैं। तो पापा ने कहा कि कुलदेवता और जो पास वाले मंदिर है वो जा कर के चढ़ा दो, मतलब नौता दे दो कि सब चीज़ अच्छे से हो जाए। तो मम्मी ने बोला कि चलो ठीक है आज ही कर देते हैं। तो हम और मैं और मम्मी निकले आज मंदिर के लिए। तो मंदिर में आकर के मम्मी ने पूजा किया और नौता दिया। तो ये होता है अभी भी, और सब जगह भी नौता देना ज़रूरी है, बाकी है फ़िलहाल तो पास वाली मंदिर में ही आए हैं। उसके बाद मैं घर आई तो ये मेरी दादी रही। इसी साल के जनवरी में दादी हमें छोड़ के चली गई हैं। तो हर साल हम दादी के हाथों से गुलाल लगाते थे, प्रसाद लेते थे, पर इस बार हमारे साथ वो नहीं है। तो सबसे पहले हमने उनको गुलाल लगाया, उन्हें प्रसाद दिया, फिर सब ने ऐसे बारी बारी से, ये कोई शो ऑफ नहीं था, बस हम हमेशा दादी के साथ सेलिब्रेट करते थे। तो इस साल भी हमने उनको याद किया, पर बहुत इमोशनल था, मोमेंट था, पर कोई बात नहीं, चलो कोई नहीं। उसके बाद ये घर में खाना बना था, ज़्यादा कुछ इस बार बन नहीं पाया था क्योंकि शादी की जो तैयारी ना बहुत ज़ोरों शोरों से चल रही है, तो इससे ना इंसान थक जाता है, इतना कुछ बना नहीं पाया। और फिर दादी भी इस बार है नहीं, तो ये इतना मन नहीं लग रहा था किसी चीज़ में। तो उसके तो मैं यहाँ कर रही हूँ अपने खाने का एंजॉय। मैं मिलती हूँ शाम में जब रेडी होकर के गुलाल खेलेंगे। एवरीवन हैप्पी होली। तो शाम के बज रहे हैं 5:30 और मैं हो गई ऑलमोस्ट रेडी। बहुत ही मैंने मिनिमम सा मेकअप किया था, मतलब शादी की तैयारी इतनी ज़ोर शोर से हो रही है ना, बहुत ज़ोरों शोरों से हो रही है, जिसकी वजह से ना हमें मतलब कुछ में इंजॉय करने का मन नहीं कर रहा क्योंकि थक जाते हैं इसलिए। तो बहुत ही मैंने मिनिमम सा मेकअप किया और सबको बहुत ही मतलब बोल बोल करके मैंने रेडी कर पाया है कि लास्ट होली है मेरी और आप सब मना लो और मेरे साथ फ़ोटोज़ वगैरह खिंचवा लो, क्योंकि उसके बाद भी मैं आऊँगी, ऐसा नहीं कि नहीं आऊँगी, पर वो पहले वाली फील नहीं आएगी, इसलिए मैं हो गई ऑलमोस्ट रेडी। पापा और रेडी होकर के बाहर निकल गए और मम्मी गुलाल निकाल रही है, क्योंकि अभी हम गुलाल खेलेंगे उस। और तो चलो, और आप मुझे बताओ कि मैं कैसी लग रही हूँ, नीचे कमेंट में ज़रूर बताइएगा, और हैप्पी होली। तो यहाँ पर हम और मम्मी पापा का वेट कर, क्योंकि पापा पता नहीं कहाँ चले गए थे, तो हम उनका वेट कर रहे थे। और ये रही मेरी दादी। उसके बाद मम्मी ने गुलाल निकाला और उसके बाद फिर हम पापा का वेट कर रहे थे। तो शाम में भी ऐसा होता था कि सबसे पहले हम दादी से स्टार्ट करते थे, दादी को गुलाल लगाते थे, दादी हमें गुलाल लगाती थी। तो सबसे पहले हमने सब ने मिलकर के दादी को याद करते हुए ये गुलाल लगाया, मतलब ये मोमेंट पापा के लिए बहुत ही ज़्यादा इमोशनल था, क्योंकि वो थोड़े से इमोशनल हो गए थे। और फिर सब ऐसा सबके लिए होता है, ऐसा कोई दिन नहीं गया जो हमने उन्हें याद नहीं किया। उसके बाद बारी बारी से हमने सबको गुलाल लगाया। आप देख सकते हो कि हमारा इतना ये होली सेलिब्रेट करने का मूड, मतलब फील नहीं दिख रहा, एक्साइटमेंट नहीं दिख रहा है, क्योंकि फिर दादी नहीं है इसलिए। और पापा को थोड़ा सा अजीब लग रहा था, मतलब थोड़े से वो इमोशनल हो गए थे। दादी की फ़ोटो हमने लगा के रखी थी और तो उसके बाद फिर सब ने बारी बारी से हमने गुलाल वगैरह लगा लिया, क्योंकि होली फिर एक साल के बाद आती है इसलिए।
उसके बाद हमें छोटी दादी के घर जाना था, पर छोटी दादी घर में कोई भी नहीं है, जीतू यश वगैरह सब अपनी फुआ के घर के गए हैं। तो हम गए थे चाची को गुलाल लगाने के लिए। तो फिर हम वहाँ बैठे और बैठ करके हमें दही बड़े, जो अभी सबके घर में आप होली में जाओ तो आपको यही खाने मिलेंगे, तो मैं यहाँ कर रही थी वेट। फिर हमने खाया और उसके बाद मैं चली घर। फाइनली मैंने जो है ना गुलाल को रिमूव कर लिया, जिस उससे मुझे रिएक्शन हो जाता है, तो इसलिए मैंने रिमूव कर दिया। आई होप आपको ये होली ब्लॉग बहुत ज़्यादा अच्छा लगा हो। तो बहुत सारे ब्लॉग्स वगैरह आने वाले हैं, तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दो, वीडियो को लाइक कर देना, और ये लोग मेरे पे कैसा लग रहा है आप मुझे ज़रूर बताइएगा। और मिलती हूँ मैं नेक्स्ट वीडियो, तो आपके लिए बाय बाय, सेफ रहिए, घर में रहिए, हैप्पी होली।